नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो तुला राशि के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए जुलाई 2020 का राशिफल लेकर के आया हूँ। देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ चीजें वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ हमेशा, जिसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लैनेटरी पोजिशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन ऑफ योर बर्थ चार्ट। क्योंकि जरूरी होता है कि, क्योंकि देखिए, ये जो भाग्य हमारा अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर इट इज प्रीवियस बर्थ कर्मा एंड वी चेंजेज इट, हम लोग इसको प्रेजेंट बर्थ कर्मा से चेंज करते हैं। तो कर्म के लिए, कर्म करने के लिए हमारा मजबूत होना, हमारे मन का मजबूत होना, हमारे मेंटेलिटी का स्ट्रांग होना, हमें मोटिवेटेड होना, ये जरूरी होता है। इसलिए कुछ कोशिश मैं स्टार्टिंग में जरूर करता हूं आपको गोचर आधारित प्रेडिक्शन बताने से पहले, कि कुछ हद तक मोटिवेट कर सकूं जो आपके लाइफ में काम आए। क्योंकि अल्टीमेटली रेमेडीज अपनी जगह, प्लानिटरी पोजीशन अपनी जगह, लेकिन चेंज फिर लाइफ को अपने कर्मों से आपको ही करना है। इसलिए आपका मजबूत होना, आपका कंडीशंस को रियली समझना, इट्स वेरी नीडेड, इसकी बहुत जरूरत होती है। तो देखिए, जो सबसे पहले तुला राशि वाले होते हैं, एक शॉर्ट में बता दूं, बड़े ही खुश मिजाज, इनके लिए दो तीन वर्ड अगर मैं कहूं, खुश मिजाज होते हैं, खुले दिल के होते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं होते, खुल के बात करना, खुल के जीना, डेकोरेशन में इनका इंटरेस्ट होता है, चीजों को सजा कर रखना, खुद को सजा कर रखना, खुद को वेल मेंटेन्ड रखना, शौकीन मिजाज भी होते हैं, अगर पैसा है इनके पास तो जिंदगी को एंजॉय भी करते हैं। ये सब चीजें तुला लग्न वालों में बड़ी अच्छी होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक चीज मैं बहुत इंप्रेस होता हूं तुला लग्न और राशि वालों से, कि तुला लग्न और तुला राशि वाले बोलने के मामले में बड़े बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस्ड इन द सेंस कि आपकी बात कभी भी मोनोपोली के साथ नहीं आती कि इट ये बातें मेरी स्वार्थ में है तो बोल दो, ये बातें मेरे पक्ष में है तो बोल दो। नहीं, आप दो इंसान के बीच भी अगर बात करेंगे ना, तो यू विल सी कि हाँ, वहां जेन्युइन चीजें क्या है, क्या चीज है जो जेन्युइन है, आप उसी पर बात करेंगे और वही चीज बोलेंगे। तो निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि तराजू, तुला का साइन जो है तराजू है, तो वो बैलेंस करता है, रिश्तों को भी बैलेंस करता है, दो आदमी के बीच संबंधों को भी बैलेंस करता है। तो ये आपकी बड़ी क्वालिटी। और शनि जो कि जस्टिस के कारक है, तुला में आकर के उच्च के होते हैं, इसका रीजन ये है कि एक जज जब निष्पक्ष काम करता है तभी वो स्ट्रांग हो पाएगा। और निष्पक्ष वो तुला में होता है क्योंकि तुला तराजू है जो कानून के हाथ में होती है, तो इसलिए शनि तुला में उच्च के होते हैं, क्योंकि वो वहां बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि उन्हें न्याय करने का मौका मिलता है। तो दैट कंडीशन तुला में लिब्रा वालों के पास होता है। देखिए, लिब्रा वालों के लिए कुछ और चीजें कहना चाहूंगा। 2009 से 2016 तक आपका शनि साढ़े साती से आपको गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 2016 के बाद भी कंडीशंस इंप्रूव नहीं होंगी, इसके रीजंस को समझिएगा। देखिए, 2009 से 2016 तक तो साढ़े साती चली आपको, आफ्टर दैट शनि का गोचर थर्ड हाउस में हुआ। शनि आपके कुंडली में बहुत ही योग कारक होते हैं, फोर्थ हाउस के लॉर्ड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं, शुक भाव का मालिक, पंचम भाव का मालिक, एक केंद्र एक त्रिकोण का मालिक होने के साथ साथ लग्नेश शुक्र के साथ बेहतरीन रिलेशन शेयर करते हैं, तो यहां पर बहुत ही योग कारक ग्रह होते हैं। साढ़े साती जब खत्म हुई, शनि का गोचर थर्ड हाउस में हुआ, स्ट्रगल हाउस में जब शनि बैठे, थर्ड हाउस में बैठे, तो सुख भाव और पंचम भाव की स्थिति तब भी गोचर से आपके लिए बहुत अच्छी नहीं थी। अब जब शनि फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं 24 जनवरी 2020 के बाद, तब यहां से जो चीजें हैं, अभी भी मेंटली आप प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस में गोचर है, ढैया भी है, ससयोग भी है, लेकिन साथ में ये ढैया भी है, दोनों चीज को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सैटर्न इन योर कुंडली, सैटर्न किस स्थिति में आपके कुंडली में बैठे हैं उस पर भी निर्भर करेगी, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगी, किसकी महादशा अंतरदशा आपको चल रही है, बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन कुंडली में, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगी। लेकिन चूंकि यहां अगर मैं गोचर से देखूं तो दो चीजें हैं, एक शशयोग भी है और ढैया भी है, तो ढैया में मेंटली तो आप परेशान होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन सक्सेस के दृष्टिकोण से देखूं तो शनि का फोर्थ हाउस में सुख भाव में अपनी राशि में बैठना पोजिशन खराब नहीं है, स्थिति अच्छी है। लेकिन आप 2009 से 2016 तक जबरदस्त ठोकर खाए हैं, अपनों से ठोकर खाए हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर आप बढ़े हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी डीप हुई हैं आपके लाइफ में जो एक नया एक्सपीरियंसेस आपको दे करके गई हैं। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं गोचर आधारित प्रेडिक्शन पे जाऊंगा, लेकिन वो जो चीजें हुई हैं उनसे रिकवर करने का टाइम है, अब आप रिकवर करिए। जो 2009 से 16 का पीरियड है उसको फॉरगेट करें, क्योंकि वो एक बहुत ही पेनफुल पीरियड आपके लिए रहा है,
और अभी तक चूंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाए हैं, धनु राशि में होते हुए भी नहीं मिल पाए पिछले ढाई साल में, जबकि साढ़े शादी खत्म हो गई और अभी भी थोड़ा मेंटली टेंशन चल रहा है, तो ये सवाल है तुला लग्न और तुला राशि वालों के दिमाग में कि आखिर समय कब सही होगा। देखिए यहां पर थोड़ा मेंटल टेंशन अभी शनि दे रहे हैं और लॉकडाउन में जनरली सबकी स्थिति ठीक नहीं है, तो लॉकडाउन का तो एक जनरल परसेप्शन है जो सब पर लागू होता है, लेकिन आफ्टर दैट ऑल अराउंड मैं देखूं तो यहां पर स्थिति बहुत बुरी नहीं है। आप थोड़ा वेट करिए, अभी आफ्टर दैट यहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हुए शनि नजर आएंगे। उसके बाद जब शनि के कुंभ राशि में यहां आएंगे और अच्छी स्थिति होगी, तब भैया का भी प्रभाव खत्म हो चुका होगा और आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति शनि क्रिएट करेंगे। हाँ, इररिस्पेक्टिव ये बातें, मैं आपकी कुंडली तो मैंने देखी नहीं है, तो विशेष प्रेडिक्शन और डिटेल एनालिसिस के लिए आप कुंडली एनालिसिस भी जरूर करा लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि महादशा अंतरदशा कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति, लग्न कुंडली, नौमांस कुंडली, चालित की, चंद्र कुंडली की क्या स्थिति है, डिफरेंट चार्ट्स की क्या स्थिति है, वो सारी चीजें भी मायने रखेगी। तो उसके साथ अब मैं गोचर को लूंगा, लेकिन आपको मैं एक चीज लास्ट में कहूंगा गोचर का आधारित प्रेडिक्शन से पहले, कि अपने पेशेंस को मत खोइएगा, अभी भी आप कब कभी भी बैकअप कर सकते हैं, आपके पास वो पावर है। शनिदेव आपके लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रहों में से हैं, सर्वाधिक योग कारक मतलब शनि के जैसा योग कारक आपकी कुंडली में कोई ग्रह नहीं होता, तो इसलिए आप पेशेंस रखिएगा। शनिदेव जब लेते हैं तो अच्छे से ले लेते हैं, सब कुछ जीवन से ले लेते हैं, लेकिन अगर देते हैं तो ये देने की शक्ति भी जबरदस्त रखते हैं, इट हैज ट्रिमेंडस पावर टू रिकवर द लाइफ, इसलिए पेशेंस रखना। अब देखो आप गोचर आधारित प्रेडिक्शन पर जो स्थिति है, शनि मकर राशि में बने रहेंगे जुलाई के महीने में, गुरु केतु जुलाई के महीने में धनु राशि में, राहु मरकरी और सूर्य, राहु और मरकरी मिथुन राशि में बने रहेंगे, सूर्य 15 जुलाई तक मिथुन में रहेंगे, 16 जुलाई से 10th हाउस में जाएंगे, मंगल पूरे महीने यहां और शुक्र पूरे महीने यहां। स्टार्ट करता हूं लग्नेश से। देखिए लग्नेश का 8th हाउस में जाना एक्चुअल में बहुत फेवरेबल नहीं होता, बहुत सारे ग्रहों की स्थिति अच्छी भी है इसलिए डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, लेकिन सबसे पहले जो लग्नेश की बात करूं तो लग्नेश जब 8th हाउस में जाता है अचानक धन लाभ के थोड़े से अच्छे संकेत देता है, ससुराल पक्ष से लाभ देता है और आयु के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो थोड़ी सी ये परेशानी वाली स्थिति होती है। आप अपने आप को चोट से एक्सीडेंट से थोड़ा बचा कर रखिएगा, हेल्थ का थोड़ा सा केयर करिएगा, क्योंकि लग्नेश का अष्टम में जाना हेल्थ के दृष्टिकोण से, चोट चपेट के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता, उन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रख के आपको चलना है। लेकिन ऑल अराउंड लग्नेश चूंकि अपनी राशि में है तो लग्न को थोड़ा बल रहेगा, आत्मविश्वास में आप वृद्धि फील करेंगे, आत्मविश्वास में कमी फील नहीं करेंगे। उसके बाद हाँ, शनि की स्थिति थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम में रखेगी आपको। अब देखिए गुरु और केतु को देख लेते हैं। गुरु यहां पर 3rd हाउस में, प्राक्रम हाउस में बैठे हैं, केतु गुरु के साथ लोग चंडाल योग मानते हैं राहु की दृष्टि भी, लेकिन अगर केतु किसी भी प्लैनेट के साथ हो और वो प्लैनेट, याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी में, अगर केतु किसी प्लैनेट के साथ हो और वो प्लैनेट स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, तब केतु उसके पावर में कंप्लीटली वृद्धि कर देता है, 4 गुना तक वृद्धि कर देता है। आपके प्राक्रम के लिए गुरु की यह स्थिति बहुत अच्छी है, केतु यहां इसके बल में वृद्धि कर रहा है, आप प्राक्रम अच्छा फील करेंगे जुलाई के महीने में, मेहनत करने की शक्ति आप में रहेगी, मेंटल जो इश्यूज है उससे थोड़ा फाइट करके मेहनत करिए, मेहनत करने के लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु की 7वीं दृष्टि, गुरु की दृष्टि में अमृत है, गुरु किसी भी लग्न में हो अपनी दृष्टि से अच्छा करते हैं, हाँ भाव में वो दिक्कत जरूर कर सकते हैं लेकिन दृष्टि से ज्यादा नुकसान नहीं करते। और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में बैठेंगे तो गुरु यहां पर मारक होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स करेंगे। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो जाकर पड़ेगी दाम्पत्य सुख पर यहां 7th हाउस पे, तो ये दृष्टि आपके मैरिज लाइफ को अच्छा करेगी, मैरिज लाइफ में जो परेशानियां चल रही थी वो कम होती हुई आपको जुलाई के महीने में नजर आएगी, वहां पर मधुर संबंध होते हुए पत्नी के साथ नजर आएंगे, बिजनेस ट्रेडिंग से संबंधित चीजें भी आपके लिए यहां पर अच्छी होती हुई नजर आएंगी गुरु की दृष्टि से। गुरु की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर भी अच्छा करेगी और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके आय भाव पर, और आय पति सूर्य मिडिल महीने तक यहां रहेंगे, मिड महीने के बाद जब यहां आएंगे तो यहां स्थिति अच्छी होगी, मिड के महीने से आधे 15 जुलाई के बाद से आपके आय में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, आपके प्रोफेशन भी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सूर्य 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, मित्र राशि में होंगे, 16 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक आय की स्थिति अच्छी है, लाभ बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपके लिए। शनि 4th हाउस में शुभ भाव में है, लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित रिजल्ट्स खराब नहीं मिलेंगे, उसके साथ साथ सुख से संबंधित रिजल्ट्स भी खराब नहीं है, लेकिन मेंटली थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने आप को डिप्रेशन से एंजाइटी से बचा करके रखिएगा, उसके लिए थोड़ा सा योग प्राणायाम भी आप करिएगा, थोड़ा सा आप मेडिटेशन भी करिएगा और कुछ रेमेडीज बताऊंगा जो आप लास्ट में करिएगा। देखिए उसके साथ साथ फिर मंगल की जो स्थिति है, मंगल 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड होकर ऋण भाव में गए हैं, अगर जरूरी ना हो तो कर्ज मत लीजिएगा और थोड़ा सा किसी को भी पैसा दीजिएगा तो सोच समझ के दीजिएगा, पैसा थोड़ा सा अटक सकता है। 2nd का लॉर्ड होकर के 6th हाउस में बैठे हैं तो पैसे से संबंधित लेन देन थोड़ा सा सोच समझ कर करें, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझ कर करें।
और जो आपकी जमा पूंजी है उसका इस्तेमाल करने से पहले जुलाई के महीने में थोड़ा सा सतर्क रहें। उसके बाद जो स्थिति है सूर्य मरकरी और राहु, देखिए राहु यहां उच्च का है और मरकरी अपने घर में भाग्य भाव में बैठे हैं, बुध स्वराशि के भाग्य भाव में बैठे हैं, बुध की स्थिति अच्छी है, भाग्य की स्थिति अच्छी है और सूर्य भी यहां बैठे हैं, आके सूर्य इनकम के लॉर्ड होकर के यहां बैठे हैं, तो स्थिति सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग भी यहां पर बना हुआ है और आपके लिए आय की स्थिति भाग्य की स्थिति अच्छी है, भाग्य से आय की प्राप्ति आपको होती हुई नजर आ रही है। लेकिन राहु को थोड़ा सा बैलेंस करके रखिएगा क्योंकि राहु यहां मरकरी को जड़ योग लगाता है और सूर्य को भी डिस्टर्ब करता है, तो राहु की रेमेडीज थोड़ा सा करिएगा। और प्रोफेशन का लॉर्ड चूंकि आपका चंद्रमा है, चंद्रमा के मालिक शिवजी होते हैं और शिवजी राहु को भी कंट्रोल करते हैं, तो शिव चालीसा का थोड़ा सा पाठ करिएगा, शिवजी का थोड़ा सा ध्यान करिएगा, नमः शिवाय का जप करिएगा, ओम सोम सोमाय नमः का भी जप कर सकते हैं, प्रोफेशन के लिए करियर के लिए अच्छा रहेगा। और मिड के महीने तक जब तक सूर्य यहां है अपने सम्मान को बचाकर चलिएगा, जॉब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उलझना नहीं है ऑफिस में किसी से, उलझने से बचना है कंप्लीटली, स्पेशली मिड महीने तक, आफ्टर दैट स्थिति आपके लिए थोड़ी ठीक होती हुई वहां से नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो आय के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, भाग्य की स्थिति देखूं तो उसके साथ साथ बिजनेस ट्रेडिंग के लिए वो सब स्थिति तो बहुत अच्छी है, बिजनेस ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा बिजनेस ट्रेडिंग का लॉर्ड मंगल और ये इनकम का लॉर्ड मंगल वो थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके चलना है, सिक्स हाउस में यहां मंगल है, थोड़ा वाद विवाद से बचिएगा, किसी से शत्रुता मत करिएगा, थोड़ा शांति से ये महीना निकाल लीजिएगा। बाकी स्थिति कोई खास बुरी नहीं है, 60-70% ग्रह स्थिति जो है आपके फेवर में नजर आ रही है जुलाई के महीने में। इसके साथ ही ये गोचर आधारित प्रेडिक्शन है, देखिए शनि के उपायों में, शनि चूंकि अभी थोड़ा सा यहां पर मकर राशि में फोर्थ हाउस में, तो सैटरडे शनिवार के दिन आप पीपल में एक दीपक जलाएं और हो सके तो छायादान कर दें, अगर डिप्रेशन एंजाइटी ज्यादा लगती है तो सरसों तेल में चेहरा देखकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए शनिदेव के ऊपर डाल दें, और शनिदेव से भागने की भी कोशिश ना करें, बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी कष्ट दिए हैं लेकिन आगे के लिए ये बुरा नहीं करेंगे। साढ़े शांति के बाद अगर आपने सही सबक लिया इनसे तो शनिदेव वो प्लैनेट भी हैं जो देते भी हैं तो फिर दिल खोल के देते हैं, वो काबिलियत इनमें होती है, वो नेचर भी इनका होता है, दिल भी इनका छोटा नहीं होता, जब देने पे आएंगे तो फिर सब पर फाड़ के देंगे। लेकिन अगर आपने इनके कहे अनुसार उन एक्सपेरियंसेस को इस्तेमाल किया जो 2009 से 2016 के बीच इन्होंने दिया है, और अगर 2009 से 16 के बीच जो कंडीशंस इन्होंने क्रिएट किए लाइफ में उसमें आप अपनी ऑनेस्टी बनाकर चलने में सक्षम हो पाए हो, एक अच्छा और अच्छा इंसान बनकर निकले हो आप साढ़े साथी के बाद, तो फिर शनि का रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। लेकिन ये गोचर आधारित प्रेडिक्शन है, मैं स्टार्टिंग में भी कह चुका हूं, इसके साथ साथ आपके कुंडली में बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, लग्न कुंडली, नवमांस कुंडली, चालित कुंडली की क्या स्थिति है, ग्रहों की महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, ग्रहों का बल कैसा है, डिग्री वाइज कैसे हैं, भाव बल सडबल क्या है, इन सारी चीजों को देखना अनिवार्य होता है लाइफ में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं या प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो एक बार कुंडली एनालिसिस भी अच्छे से करा लीजिएगा अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम में है। विशेष अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेल और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट करिएगा, टाइटल के नीचे है, अदरवाइज जहां आपको अच्छा लगे आप करा सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है मेरी अच्छे से अच्छे वीडियो देने की, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज आप अनलाइक करने के लिए स्वतंत्र हैं अगर आपको पसंद ना आया हो। थैंक यू सो मच।